हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वैकेंसी जो है रेलवे के द्वारा रिलीज किया गया है। ये नॉर्थन रेलवे में जो है रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। और फ्रेंड्स, इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है लाइक डिफरेंट डिफरेंट 13 डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ़ वैकेंसी रिलीज किया गया है। और इसमें जो है लाइक सीनियर रेजिडेंट मेडिकल के लिए ये वैकेंसी है। बाकी अदर कैंडिडेट लाइक बीकॉम वाले या बीटेक वाले या अदर ग्रेजुएट होल्डर या ट्वेल्थ होल्डर, उनके लिए वैकेंसी अभी अवेलेबल है। आप प्लीज़ विजिट कीजिए ई एजुकेशन का प्ले लिस्ट, वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी अवेलेबल है फ्रेंड्स, राइट। और आप वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे चार नोटिफिकेशन और ऐड करूँगा जहाँ की आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। सो मेडिकल के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी है, राइट। कल भी मैंने अपलोड किया है, तो प्लीज़ विजिट करें और देखें, राइट, और उसमें भी अप्लाई करें। तो अभी जो है सीनियर रेसिडेंट की 13 डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वेरियस नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है रिलीज किया गया है। इसमें कोई रिटर्न एग्जामिनेशन, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको फॉर्म फिल करके, मैं फॉर्म आपको दिखाऊंगा, यू हैव टू फिल दैट फॉर्म एंड यू हैव टू कैरी ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट अबाउट योर लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, वट एवर, लाइक यू हैव टू कैरी ऑल द लाइक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड वन फोटो कॉपी ऑफ ऑल दिस डॉक्यूमेंट, राइट। यू हैव टू बी सेल्फ अटेस्टेड ऑफ ऑल लाइक फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट एंड देन यू हैव टू रीच दैट लोकेशन फॉर वॉकिंग इंटरव्यू, राइट। सो हेयर इज द सैलरी, दिस इज द बेसिक सैलरी 67,700 प्लस अदर अलाउंसेस यू विल गेट, राइट, अराउंड वन लाख रुपीज पर मंथ यू विल गेट द सैलरी। एंड सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस नोटिफिकेशन। फर्स्ट आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, इफ यू आर न्यू इन द न्यू एट द दिस चैनल एट ई एजुकेशन, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ई एजुकेशन चैनल फॉर गेटिंग ऑन रेगुलर बेसिस गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। हेयर इट इज नॉर्थर्न रेलवेज ऑफिस ऑफ द मेडिकल डायरेक्टर नॉर्थर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल बसंत लैन न्यू दिल्ली 11005। दिस इज द लाइक रिक्रूटमेंट बोर्ड वेयर द रिक्रूटमेंट हैज़ बीन रिलीज। सो प्रोफाइल इज सीनियर रेसिडेंट। सीनियर रेसिडेंट की प्रोफाइल है जिसमें कि सीनियर रेसिडेंट अंडर द सीनियर रेसिडेंट स्कीम नॉर्थन रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में ये वैकेंसी रिलीज किया गया। जितने भी फॉर्म हैं, फॉर्म के पेज हैं, A4 साइज शीट में आपको जो है ये फोटोकॉपी कराना है एंड देन आपको जो है पहुँचना है, राइट, यहाँ पे देखिए ऑडिटोरियम, इन द ऑडिटोरियम फर्स्ट फ्लोर एकेडमिक ब्लॉक नॉर्थन रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, राइट। तो यहाँ पे आपको जो है वॉकिंग इंटरव्यू के लिए पहुँच जाना है। 8:30 से पहले आपको पहुँचना है। ऑल रिलेटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अबाउट योर क्वालिफिकेशन, अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड यहाँ पे देखिए आपका जो है एनेस्थीसिया से 1 वैकेंसी, ENT से 1, जनरल मेडिसिन से जो है 9 वैकेंसी, जनरल सर्जन से यहाँ माइक्रोबायोलॉजी से 1, लाइक गायनोकोलॉजी से 1, ऑर्थोपेडियाटिक्स में जो है 2 वैकेंसी, ऑनकोलॉजी में 1, डेंटल में 2, कैजुअलिटीज में 1, पैथोलॉजी में 1, पेडियाटिक्स में जो है 3 एंड रेडियोलॉजी में 2। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ 7 तक के प्रोफाइल का। 3 जो है फरवरी को वॉकिंग इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पे टाइम एंड जो है डिटेल दिया गया है ऑडिटोरियम, यहाँ पे पूरा यहाँ पे देखिए डिटेल दिया गया है कितने टाइम में पहुँचना है एंड 8 से लेके 13 तक का जो है आपका यहाँ पे दिया गया टाइमिंग एंड डेट 4 तारीख को होना है। 3 और 4 को वॉकिंग इंटरव्यू है, राइट। और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह, ये सब का ध्यान रखना है आपको। यू हैव टू कैरी दीज थिंग। अब यहाँ देखिए पोस्ट ग्रेजुएट, फर्स्ट प्रोफाइल के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर होने चाहिए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन MCI भी चाहिए मेडिकल काउंसिल से, तो सभी में रजिस्टर होना ही चाहिए। सीनियर ऑन्कोलॉजी में देखिए यहाँ पे DM या DNB से ऑन्कोलॉजी एंड ऑनको सर्जरी या MS सर्जरी और DNB सर्जरी विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस से मांगा है। और सीनियर कैजुअलिटी में देखिए इसमें जो है आपका MD चाहिए। उसके बाद सीनियर डेंटल में जो है यहाँ पे मास्टर डिग्री चाहिए, इसमें भी MDS चाहिए। और 5th में जो है PG डिप्लोमा चाहिए एंड 6th में जो है सीनियर रेसिडेंट स्पेशलिस्ट सभी में चाहिए, राइट। और 3 ईयर का जो है यहाँ पे 300 बेडेड हॉस्पिटल में आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर का, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन जो है आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। एज जो कैलकुलेट होगी 20 जनवरी 2022 से।